जिले के शंकरगढ़ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं क्लास का छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र चपेट में आ गया। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ी घटना नहीं घटी, छात्र को मामूली चोट आई है। प्रार्थना करने के बाद में अपने क्लास में जा रहे छात्रों पर छत का प्लास्टर गिर गया, जिसमें एक छात्र इसकी चपेट में आ गया। बच्चे के ऊपर प्लास्टर गिरने की जानकारी लगते ही स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। तत्काल स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ भेजा गया। मामले की जानकारी लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन से बात करते हुए उन्होंने जर्जर हुए स्कूलों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जैसे ही पता चला तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी से मैंने फोन में बात किया और तत्कालीन स्थिति में उनको पता तो नहीं था। बाकी उसके बाद फिर प्रिंसिपल से बात किया, प्रिंसिपल ने बताया कि जैसे ही प्रार्थना के बाद कक्षा 12वीं कृषि संकाय का एक छात्र जो है क्लासरूम में गया तो छत से जो प्लास्टर है वो उखड़ कर गिरा, हल्का सा सिर में चोट आया है लगा है और वो डर गया। उसके बाद फिर उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले गए और उस शिक्षक के साथ में और वहाँ उससे उपचार किए। ज़्यादा चोट नहीं लगा है, गंभीर चोट नहीं है। उसके बाद तुरंत मेडिसिन दे करके डॉक्टर ने उसको स्कूल भेजा। स्कूल में जैसे ही छात्र पहुँचा फिर मैंने उससे फ़ोन में बात भी किया तत्काल और उसके बारे में पूरी जानकारी लिया तो प्लास्टर का जो छत का जो प्लास्टर है वो गीला था, भीगा हुआ था, वो छोटा सा गिरा वो और बड़ा भारी नहीं था और इसे एक्चुअल में वो डर गया लड़का जो है और इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल ले गए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो करके। और फिर मैंने बात भी किया, अच्छा है लड़का, अभी पढ़ाई कर रहा है कक्षा 12वीं के साथ। मैंने प्रिंसिपल से बात किया और यदि प्रिंसिपल को ये बोला यदि वहाँ आपको शंका है तो आप तत्काल वहाँ से दूसरे क्लास को मैंने दूसरे जगह शिफ्ट कर दो, वहाँ मत बिठाओ।